गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर सोल्यूबल बेसिस, जिनको अल्कलीज आप कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना होगा कि बेसिस और अल्कलीज में क्या डिफरेंस है। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको नोट्स की ओर। ठीक है बच्चों, अब आप नोट्स बनाएंगे बच्चों। मोस्ट ऑफ द बेसिस मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व Do not dissolve Do not dissolve थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं बच्चों। Do not dissolve in water but some bases But some bases bases dissolve dissolve in water प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइनें। कुछ बहुत सारे मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, अधिकांश जो बेस होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं या पानी में घुलते नहीं हैं। बट लेकिन कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो बेस जो है पानी में डिजॉल्व होते हैं उन्हीं को अल्कली कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, those bases which dissolve which dissolve in water which dissolve in water without any chemical reaction without any chemical reaction have a special name। ठीक है बच्चों, कुछ जो है क्या होते हैं, पानी में घुलते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, उनका स्पेशल नाम होता है। दे आर कॉल्ड अल्कलीज। दे आर कॉल्ड अल्कली। ठीक है बच्चों, जो बेस जो है पानी में डिजॉल्व होते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, हैव ए स्पेशल नेम, उनका विशेष नाम होता है और उनको हम अल्कली कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें बेस अल्कली की डेफिनेशन, तो क्या होगा, ए बेस
बेस व्हिच इज, ए बेस व्हिच इज सॉल्यूबल, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एन अल्कली, ठीक है बच्चों। तो ये तो पहले ही से आपको आ गया है कि अल्कली क्या होते हैं, जो बेस जो हैं पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हीं को हम अल्कली कहते हैं, और सारे जो बेस हैं वो जरूरी नहीं है कि वो पानी में घुलें, और जो पानी में घुल गया तो उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, अल्कली कहेंगे। अब एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्यूबल बेसिस या अल्कली, ठीक है बच्चों, आपको एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर सॉल्यूबल बेसिस, या इसको क्या कहेंगे बच्चों, अल्कलीज कहेंगे आप। क्या कहेंगे बच्चों, अल्कलीज कहेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसमें निश्चित तौर पे ध्यान देंगे, और बच्चों एग्जाम में या कंपटीशन में आपको निश्चित तौर पर जो है बच्चों ये पूछे जाते हैं, नेम टू अल्कलीज, ठीक है, तो अल्कली के नाम देने हैं तो आपको, या वाटर सॉल्यूबल बेसिस के नाम देने हैं तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा बच्चों। तो पहला है बच्चों सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NaOH, अब याद करते रहेंगे आप बच्चों। दूसरा अल्कली है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम 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 हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी जो है वाटर सॉल्यूबल बेस है, ठीक है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना बच्चों। आपको कम से कम जो है चार जो है अल्कलीज के नाम याद रखने हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH4OH, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो दीज ऑल आर अल्कलीज बिकॉज दीज ऑल बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये सभी जो बेस हैं ये जो वाटर सॉल्यूबल हैं, अर्थात पानी में क्या होते हैं बच्चों, घुलते हैं,
इसलिए जो है बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, अलकली कहते हैं बच्चों। तो निश्चित तौर पे आपको ये आ गया होगा कि अल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। और ये बहुत यूजफुल होते हैं बच्चों, इन्हीं को हम ले सकते हैं, इन्हीं को हम ले सकते हैं यदि हमें एंटासिड के रूप में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। द सॉल्युबल बेस अल्कली अल्कलीज आर अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल मच मोर यूजफुल मच मोर यूजफुल देन बेसिस, ठीक है बच्चों। ये जो अल्कलीज हैं बच्चों, ये जो अल्कलीज हैं ये क्या होते हैं, अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल देन इन सॉल्युबल बेसिस, जो बेस जो है घुल नहीं रहे हैं, इन सॉल्युबल बेसिस, ठीक है बच्चों। अल्कलीज क्या है, ये तो सॉल्युबल बेस है, और जो इनसॉल्युबल बेस हैं उनसे जो है ज्यादा जो है ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। और इन्हीं का प्रयोग जो है बच्चों हम जो है इन्हीं का प्रयोग जो है एंटासिड के रूप में करते हैं, ठीक है बच्चों। किन का प्रयोग करते हैं बच्चों एंटासिड में, जो अल्कली हैं अल्कलीज का ही प्रयोग जो है हम एंटासिड के रूप में करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेसिस, ठीक है बेसिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं बच्चों। और एक्वस सॉल्यूशन किसका बनता है, वाटर के साथ बनता है। और ये जो मैंने इतने बताए हैं ये सभी पानी में घुल रहे हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बेसिस की तुलना में बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने आज आपको छोटा सा एक टॉपिक बताया, वो बताया बच्चों क्या बताया बच्चों, थोड़ा रिफ्रेश कर दें, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो व्हाट इज वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कलीज, ठीक है बच्चों। मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बट सम बेसिस डिजॉल्व इन वाटर। दोज बेसिस व्हिच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। और आपको यहाँ पर से जो है बच्चों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना आपने बच्चों, ये देखिए, अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज मैंने आपको दे रखे हैं बच्चों, और निश्चित तौर पे आपको ये याद रखने हैं, अल्कलीज माने ये सभी बेस हैं, बेस तो हैं बच्चों ये, लेकिन इनका दूसरा नाम दे दिया है क्योंकि ये सॉल्युबल है वाटर में, तो इनको कहते हैं अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों आप निश्चित तौर पर इनको याद करेंगे, ये छोटी सी वीडियो जो है और आप इसको निश्चित रूप से याद करेंगे। अगली वीडियोस में जो है हम आपको कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है बच्चों, ये बताएंगे। प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो और फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके पास आ सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।